मुद्रास होती क्या है? म्यूट कीजिए, अब कैसे आवाज आ रही? तो मुद्रास क्या होती है? बेसिकली जो हम आत्मा आत्मा नमस्ते अच्छा ओके हाँ जी विनोद जी ओके, मैं देख रही थी किसने बोला। ठीक है, आत्मा नमस्ते जी। तो मुद्रा बेसिकली होती क्या है? जो भी हम हमारे शरीर में जो हमें दिख रहा है, एक सटल हमारा फिजिकल मूवमेंट कुछ दिख रहा है, ठीक है, जो हमारे मूड को भी बदल सकता है, हमारे एटीट्यूड को बदल सकता है और हमारे देखने के नजरिए को बदल सकता है, हमारे इमोशनल कंटेंट का ध्यान रखता है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल्स को हाई करता है, हमारे माइंड को पावर देता है, हमारे माइंड को नॉर्मल रखता है, अलर्टनेस लेकर आता है, कॉन्सेंट्रेशन लेकर आता है। तो ये सारी चीजें हम हैंड पोजिशन से, हमारे हैंड के कुछ, ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, मतलब 4 उंगलियां एक थंब जो होता है, इनके माध्यम से जब हम कुछ पोजेस बनाते हैं, ठीक है, तो उन पोजेस से हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है और जिस भी कंटेंट की हमारे, जिस भी सॉरी एलिमेंट की हमारे अंदर कमी होती है, जब हमारा उसका फ्लो पूरा होने लगता है, यू नो कनेक्शंस, ठीक है, जब वो कनेक्शन पूरे होने लगते हैं तो वो एक मुद्रा का फॉर्म ले लेते हैं। और जब वो मुद्रा का फॉर्म से हमारी एनर्जी वर्क शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो हमारी वो जो व्याधि है हमारे अंदर, या हमारे अंदर जो कमी आ रही है, या हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जो हम करना चाह रहे हैं, तो वो उसका ध्यान रखती। सिंपल है। अब ये किसी तरीके की हो सकती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। मुद्रा बेसिकली क्या है? हम इसको जैसे हम कहते हैं हाथ मिलाना, ये भी एक तरह की मुद्रा है। लेकिन कभी आपने सोचा है, हमारी जो 5 उंगलियां ये है अपना हाथ है, हम किसी और के हाथ को जब हम हाथ मिलाते हैं उनसे, तो हमारी जो एनर्जी है वो उनकी एनर्जी से कनेक्ट होती है? होती है या नहीं? यस मैम, होती है है। ना। तो हमारे वेदों में और हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें हाथ जोड़ना ही बताया गया। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपने आप पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी। सामने वाला अगर आपको गुस्सा दिला देगा, ठीक है, और अगर आप उसके सामने ऐसे नमस्ते कर दोगे, वो शांत हो जाएगा, कभी भी देख ले, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये मुद्रा है जो आपको सिखाती है। वो सामने वाला यही सोचेगा आपके आगे, अरे अब इसको क्या बोल देगा, छोड़ो जाने दो, बिकॉज आप एक बैलेंस्ड इंसान उसको दिख रहे हो। एम आई राइट? या किसी को कुछ इसमें कोई दूसरा विचार है तो प्लीज जरूर जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, नहीं, चलिए। अब क्या होता है, एक तो हो गया हैंड जेस्टर्स जो हम हाथों से करते, फिर एक होता है हम अपने बॉडी पोस्चर से भी मुद्राएं बनाते हैं। ओके, बॉडी पोस्चर्स में टोटली कंप्लीटली जो एक वो आता है वो है योगा। योगा में जो भी हम पोस्चर्स बनाते हैं वो हम बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो के लिए बनाते हैं। राइट, अग्रीड ग्रेट। है ना? तो वहां हमारा क्या है, हमने बॉडी पोस्चर्स बनाए, हमारे अंदर एनर्जी फ्लो हुआ, वो एक तरह की मुद्रा हो गई, वो हमारी फिजिकल मुद्रा हो गई, एक हो गई हैंड मुद्रा हो गई। एक जब हम बैठते हैं, देखिए योगा में पोजेस बनाना एक अलग चीज है, और जिस तरह से हम बैठे हैं इस वक्त आप लोग बैठे हो, ठीक है, वो भी एक मुद्रा है आपकी। कुछ लोग हाथ फोल्ड करके बैठे हैं, इसका भी मैं आप लोगों को मतलब बताऊं, कुछ लोग अपने लैप के ऊपर हाथ करके बैठे हैं, कुछ नॉर्मली हाथ इस तरह से जोड़ ऐसे करके, यहाँ ऐसे लैप के ऊपर दोनों, यू नो ये फोर आर्म्स इस तरह से रख के बैठे हुए हैं। आप बताइए बैठे हैं, सबको देखूं मैं, दिखाइए कौन कौन कैसे कैसे बैठ, एकदम रॉ जैसे हैं वैसे ही दिखाइए, कुछ बनाना नहीं, कुछ बनाना नहीं,
नहीं बनाओ मत, जैसे बैठे हो वैसे दिखाओ ना। अभी एट प्रेजेंट आप कैसे बैठे हो? नॉर्मल बैठे हो, जिनमें से मैंने कुछ पोजेस बोले वैसे ही करे होंगे, क्योंकि इसके अलावा, या फिर कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी करके बैठ के देखा आराम से सोफे पे दोनों हाथ ऐसे भी लग के बैठते हैं। यू नो दीज ऑल इंडिकेट्स आपके जो बॉडी में किस टाइप का आपको एनर्जी फ्लो चाहिए। सबकॉन्शियसली हमें नहीं पता होता है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी अपने आप खुद को गाइड करती है। ठीक है, कुछ हम कॉन्शियसली करते हैं और कुछ हम सबकॉन्शियसली करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे पेरेंटल पैटर्न्स होते हैं। अभी जैसे कई लोग बोलेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके पेरेंट्स ऐसे बैठे बैठे ना, फादर, इन जनरल फादर्स में ही आदत होती है, आई डोंट नो इफ यू हैव लाइक नोटिस, बैठे बैठे पैर हिलाना, है ना। तो बच्चा भी सीख जाता है कि नहीं भैया पिताजी करते तो मुझे तो करना ही है ना, वो एंसेस्टर लाइन पूरी करनी है ना हमें, तो हमारा पूरा वो क्लैन नहीं तो बंद हो जाएगा। तो वो भी होता है कुछ लोगों, आप लोगों ने देखा होगा कोई दांत वो नाखून खाते हैं तो उनके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। एक पैटर्न भी फॉलो होता है मुद्रास में। सो इट इज नॉट ओनली मुद्रास जो हम कहते हैं कि योगीज करते हैं, हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मुद्रास का यूज करते हैं अननोइंगली, यू नो विदाउट अवेयरनेस, राइट। अब जैसे आप इवन जो हम अगरबत्ती घुमाते हैं, वो भी तो एक मुद्रा ही है एक तरह से, जो हम तंत्र करते हैं, रोटेटिंग ऑफ योर आर्म्स, राइट लेफ्ट पकड़ने का तरीका, ये सारी मुद्राएं हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा आरती करते वक्त, या जनरली ये कहा जाता है कि देखिए मुद्रास बेसिकली क्या है, आप एक ही चीज को समझिए, दैट इज द प्रॉपर एनर्जी फ्लो विच इज रिक्वायर्ड इन यू। आपके अंदर जो एनर्जी फ्लो की रिक्वायरमेंट है, वो हम किसी ना किसी प्रकार से मुद्राओं के थ्रू हम पूरी करते हैं, राइट। अब जैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर एक वो हस्बैंड वाइफ की बात करते, जनरली क्या हो रहा है, हस्बैंड अगर आरती कर रहा है तो वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है, यू नो देखा होगा ना, वो बस हाथ पकड़ ली और वो हस्बैंड कर रहा है, यू डोंट हैव टू, बिकॉज वो एक एनर्जी फ्लो आ रहा है कि यस द सपोर्ट सिस्टम इज देयर। सेकेंडली वो जो एनर्जी है वो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि वहां पर मेल फीमेल एनर्जी जरूरी है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, कोई भी हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे योगा की क्रियाएं हो, चाहे योगा के आसन हो, चाहे हमारे जेस्चर्स हो, ठीक है, हम अंगूठा दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, आप बताओ। अच्छा हम थम्स अप करते हैं ना ऑल द बेस्ट के लिए, आप क्या कर रहे हो सोचिए। चलिए बहुत इजी है, मजेदार भी है, क्या कर, बूस्ट अप हाँ करना, बूस्ट अप बूस्ट कर अप रहे कर, हो, आगे बोलो आगे बोलो, और क्या समझ सकते हो आप इन चीजों से। चलिए, मैंने आपको याद होगा, अगर किसी को याद है या नहीं आई डोंट रिमेम्बर, अंगूठा किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर फायर एनर्जी, दैट्स व्हाई बूस्ट अप। एनर्जी। आप ऑल द बेस्ट कब बोलते हो, जब सामने वाला कोई कार्य करने जा रहा है या उसके कार्य को बूस्टिंग चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरह से उसको अंगूठा दिखा रहे हो, आप उसकी फायर एलिमेंट को बढ़ा रहे हो, आप समझे। तो जेस्चर्स ऐसे ही नहीं बने हैं, ये जो आप देखते हो ना व्हाट्सएप पे इमोजीज जो होती हैं, आप उनके हैंड जेस्चर्स देखो, अगर नहीं है, वो सारी मुद्राएं हैं। अब और मजा आएगा आप लोगों को, है ना, हर चीज में कोई कोई कैसे हाथ उठा रहा है ना, तो आप ये सोच, अब वहां दिमाग जाएगा कि ये ऐसे हाथ क्यों उठा रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, राइट। जैसे वाटर एलिमेंट के लिए हम ये उठाते ही हैं, सबको पता ही है, ये तो कॉमन सा हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर आगे आगे चीजें, हम हैंड जेस्टर्स होते हैं, ये ध्यान मुद्रा हो गई, है ना। तो इस तरह से अभी हम पूरा कंप्लीट इस तरह इसको आगे देखें।